पानी में डालकर। क्या आपने कभी ऐसा पिज्जा बनाया है? नहीं तो चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं कुल्लड़ पिज्जा, वो भी पानी में स्टीम करके। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पिज्जा का बेस। तो एक पिज्जा का बेस लेना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। मार्केट में वैसे ये कुल्लड़ पिज्जा काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी महंगा भी मिलता है, लेकिन घर पर आप बहुत ही सस्ते में इसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करना है, जैसे कुल्लड़ बेचने वाले भैया बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही तरीका है, लेकिन बहुत ही आसानी से हम घर पर बनाएंगे बिना ओवन, बिना कोई तामझाम के। तो छोटे छोटे पीसेस हमने कर लिए हैं पिज्ज़ा बेस के, इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें डालेंगे सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर कैप्सिकम, ऑनियन, टोमेटो और स्वीट कॉर्न लिया है। इसमें आप छोटे छोटे पनीर के पीसेस भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। अब इसमें ऐड करेंगे हम टोमेटो केचप, आप पिज्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, साथ ही ये वेज मेयोनीज है। और यहाँ पर आपको लेना है प्रोसेस चीज, लगभग 2 से 3 क्यूब आपको ग्रेट करके डालना है। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, और सीजनिंग के लिए डालेंगे हम ये है चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। अब दोस्तों इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये हमारी जो स्टफिंग है बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमें लेना है कुल्लड़, इसके अंदर बटर से आपको अच्छे से ग्रीस कर लेना है और इसके अंदर ये स्टफिंग रखना है। आधी स्टफिंग डालने के बाद इसके ऊपर आपको मोज़रेला चीज़ डालना है। बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट में ये कुल्लड़ पिज़्ज़ा बनता है। अब फिर से स्टफिंग डालना है और ऊपर से फिर से ये मोज़रेला चीज़ डालना है। जितना चीज़ आपको पसंद हो, आपके इच्छानुसार उतना ज़्यादा डाल सकते हैं। और मार्केट में ये पिज़्ज़ा लगभग 180 से लेकर 200 रुपए तक मिलता है और घर पर आप इसे सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हमारा जो पिज़्ज़ा है अच्छे से हमने फिल कर लिया है, मतलब कुल्लड़ में डाल दिया है। अब ऊपर से ओरिगैनो और थोड़ा सा हम डालेंगे चिली फ्लेक्स और एक एक हम ब्लैक ऑलिव्स लगाएंगे ताकि ये बहुत अच्छा दिखे। अब कढ़ाई में हमने पानी को गर्म कर लिया है और इसके अंदर आपको ये कुल्लड़ रखने हैं और इसे ढक कर हमें पकाना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ही दोस्तों सारा जो चीज़ का बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, पूरी चीज़ मेल्ट हो जाएगी और अंदर की स्टफिंग भी अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारा कुल्लड़ पिज़्ज़ा है इसके ऊपर की चीज़ किस तरीके से मेल्ट हो चुकी है। और गजब का ये हमारा नया ट्रिक है पिज़्ज़ा, कुल्लड़ पिज़्ज़ा बनाने का। तो आपको ये नई इनोवेटिव रेसिपी कैसे लगी जो पिज़्ज़ा के साथ हमने की है? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, घर पर ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी बनता है, आपके बच्चों को बहुत पसंद भी आएगा। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।